हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यस फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं, काफी टाइम हो गया नहीं किया था, हमने कहा कि चलो इनका कोई एक करते हैं। और रिक्वेस्ट तो बहुत सारी आई हुई है, तो उसमें से हमने एक कहा कि चलो उसको देखते हैं आज। तो आज का जो वीडियो है वो है आपकी अदालत, और उसमें आ रहे हैं सनी डियोल। तो फ्रेंड्स, कमाल होने वाला है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चंस पूछते हैं भाई रजत शर्मा सनी डियोल से, और सनी डियोल क्या आंसर्स देते हैं। तो यस फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे ही हम अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। और यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हिंदी फिल्मों में एक्शन के सुपरस्टार को, एक ऐसा हीरो जिसके डायलॉग सबसे ज्यादा इमिटेट किए जाते हैं, एक ऐसा सुपरस्टार जो कभी गदर में आपको दिखाई दिया, दामिनी, कभी जिसने बॉर्डर से धूम मचाई, कभी जिद्दी, कभी घायल। प्लीज वेलकम सनी देओल। दामिनी में कौन था? अच्छा, दामिनी तो ऋषि कपूर था, घायल थी तो ये पुराना होगा। ये वीडियो क्योंकि ये तो मूवी सारी पुरानी है। वो सनी डियोल जो है वो तो पुराना, मतलब अभी रीसेंट नहीं हो, कुछ एक तीन चार साल का नहीं। सनी डियोल जैसा सुपरस्टार हो तो फिर आज का जल भी ऐसा ही है। कौन है? दलेर मेहंदी। ओह, दलेर मेहंदी, वाह, बड़े टाइम बाद देख रहे हैं, वही ट्रेडिशनल अपनी ड्रेस। इससे पहले कि आज का पुकार करना शुरू करें, आज के जज दलेर मेहंदी के साथ चाहेंगे। वो भी पंजाब के हैं। इससे पहले कि इल्जामात और सवाल का सिलसिला शुरू करें, सनी देओल से सफाई मांगे। तो मुकदमा शुरू होता है आपकी अदालत में पहला इल्जाम सुपरस्टार सनी देओल पर। क्या होगा? आपकी अदालत में फिल्म स्टार सनी देओल पर इल्जाम है कि इन्होंने घायल का सीक्वल बनाने में काफी देर कर दी। वो तो थी। सनी लोग कह रहे हैं कि बड़ी देर कर दी, मेहरबान आते आते 26 साल लगा दिए, ये सीक्वल थोड़ा पहले बनाते। वाह, क्या शायरी की है। नहीं चाहता तो यही था ना, क्योंकि मैं सीक्वल, बिकॉज पिक्चर इतनी अच्छी थी कि तुरंत उसी वक्त बना लूं। लेकिन उस वक्त मेरे डायरेक्टर राजन तुष्टि वो नहीं चाह रहे थे, और बाकी लोग भी कह रहे थे कि नहीं, सीक्वल्स नहीं बनते। और जब बनने का सीजन आया, फिर मैंने शुरू किया कि मैं बनाऊंगा बनाऊंगा बनाऊंगा, करते 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 26 साल निकल गए। बस जैसे घायल थी, बिकॉज उस फिल्म ने अपने आप एक जगह बनाई थी जिसका हमें बहुत अच्छी थी उम्मीद नहीं थी कि कहाँ जाएगी वो फिल्म। वो घायल जिन लोगों ने देखी थी उनके तो बच्चे हो गए। बहुत लेट बनाई थी। तो वही सोच के मैंने सोचा कि आज के बच्चों के लिए मैं क्या करूँ। इसलिए वेट किया था। मिल नहीं रहा था ना सही तरह से डायरेक्टर ना राइटर, जिससे जो मेरी सोच के साथ चले। तो इसी वजह से फिर मैं खुद ही राइटर बन गया, डायरेक्टर बन गया, और 2 साल से इस फिल्म के ऊपर काम कर रहा हूँ, और आज आप लोगों के बीच हूँ, क्योंकि 5 फरवरी को लगने वाली है। और ओ, तब ठीक है। जब पहली घायल बनाई थी तभी इसी तरह की परेशानियां सामने आई थी? परेशानी तो बहुत आई थी उस वक्त, क्योंकि जब वो सब्जेक्ट लेकर मैं मेरे पास राज आया था, तो उसके साथ जो प्रोड्यूसर था वो हार गया। तो मैं बोला भाई मैं ये तू मुझे साइन करने आया, तो प्रोड्यूसर क्यों हार गया? तो उसके बाद फिर हमारी खोज शुरू हुई प्रोड्यूसरों के लिए, ढेर सारे लोगों के पास गए, किसी को सब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, जो मुझे अच्छा लगा किसे अच्छा क्यों नहीं लग रहा? तो फिर मैं अपने पापा के पास गया, उन्हें कहानी सुनाई, उन्हें अच्छी लगी, और वहां से मुझे शक्ति मिली, और उन्होंने कहा जा प्रोड्यूस कर रहे हैं। हां, चक्कर भी फिर ये जो खाए का सीकर आप बना रहे हैं, ये भी धर्म जी ने देखी है? हाँ, पापा ने देखी है। जैसे पापा ने पहले वो मेरी घायल भी देखी थी,
ये फिल्म भी उन्होंने देखी है बनते बनते बीच में। पापा हमेशा जो फादर संग का होता है रिलेशन, जहाँ पर पापा कुछ भी कह सकते हैं, तो कभी कभी उनको कोई ऐसी चीज नहीं ऐसी लगती जो मैं कह नहीं सकता। क्यों बता भाई। वो मेरी पुरानी फिल्म में भी था, इसमें भी रहा है थोड़ा बहुत, पर ऑल ही लव द फिल्म। वो चाहते हैं कि हर चीज परफेक्ट हो जाए और हम कोशिश करते हैं कहाँ तक हम पहुँच सकें। 26 साल में जब घायल दोबारा आ रही है तो सनी देओल कुछ बदला है? मैंने देखी है। हाँ, बदल गया हूँ। काफी बदल चुका हूँ। और बदलाव में यही कहेंगे कि उम्र बढ़ गई है, एक्सपीरियंस बढ़ गया है, तो उसी के साथ चीजें भी जो सोसाइटी की जो चीजें हो रही हैं, काफी कुछ चीजें बदल चुकी हैं। और वही मैं चाह रहा था कि घायल अब मैं लेकर आऊँ तो आज की सोसाइटी के साथ एकदम रेलिवेंट हो, ताकि परिवार बच्चे सब उसको देखें तो उन्हें लगे कि हाँ ये बच्चा मेरे जैसा, माँ सोचेंगे मैं हूँ, भाई सोचेंगे मैं हूँ। तो कोशिश ये की है। और जैसे कह रहे हैं वो बच्चे 25 साल बाद वहाँ के जो बच्चे पैदा हुए थे वो अभी लेकिन असली मुकदमा मुझे अभी शुरू करना है। आपके अदालत में आज हमारे मेहमान है फिल्म स्टार सनी देओल। आपके अदालत में स्वागत। आपकी अदालत शॉर्ट टेम्पर्ड स्टार मूवीज में तो यही लगता है, सच्ची में भी है कि इन्हें बहुत गुस्सा आता है। सनी, आपकी जो भी फिल्म देखते हैं आप कहते हैं घर में घुस के मारूंगा, आप कहते हैं कि तेरा वो हर्ष करूंगा तो मुझे अपना पैदा होने पर अफसोस होगा, आप कहते हैं आने वाले 24 घंटों में तेरे 24 टुकड़े करके हर टुकड़े का अलग अलग अंतर करता लाशें बिछा दूंगा लाशें, मूवी का डायलॉग है, क्यों इतना गुस्सा करते हो? क्यों इतना गुस्सा करते हो? मुझे आप लोग बताइए, मूवी की डिमांड है पंजाब का हूँ। इसलिए बार बार गुस्सा आता रहता है। असली जिंदगी में बचपन में भी आपको बहुत गुस्सा आता था? नहीं, गुस्सा तो एक एक पार्ट ऑफ द इमोशन है। और हमारे यहाँ क्या है, हमारे इमोशंस जो भी हैं सब फटाफट ऐसे ट्रिगर हो जाते हैं, हम सोचते नहीं हैं। और ज़्यादा करके बीइंग पंजाबी तो थोड़ा सा गुस्सा ऐसे ही रह जाता है। हमें भी आता है, हमें तो पंजाबी है। लंदन भेज दिया था ठंडी हवा में गुस्सा कर रहा था। मेरे पापा ने मुझे उसके लिए तो नहीं बात यह हुई थी तब के वो समय था जब मैंने डिसाइड किया था मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। उसके पहले सिर्फ शरारती करता था, तब मैंने सीरियस हुआ कि मैं एक्टर डू समथिंग। और फिर तब मैंने सोचा कि मैं यहाँ इंडिया में कुछ करना चाहूँगा तो सीरियस से नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पूरे स्कूल में एक प्रॉब्लम रही है कि जहाँ भी जाते हैं आप तो अच्छी तरह से लोग ये करते हैं आप बुरी तरह से, तो इन बिटवीन आदमी एक अपने आइडेंटिटी के साथ कुछ नहीं कर पाता। तो उस वजह से फिर मैंने कहा मैं इंग्लैंड जाऊँगा, वहाँ जाके ड्रामा स्कूल ज्वाइन करूँगा एंड ताकि मैं अपने आपको डिस्कवर करूँ और जो मैं करना चाह रहा हूँ उसको थोड़ा सा आगे ले जाने की कोशिश करूँ। आज के ज़माने में जो मैं करता था जो करता होता तो आज के ज़माने में मीडिया ने ऐसे उठाया होता कि मैं सबसे गंदा लड़का होता, शरारतें मेरी इस तरह की नहीं थी, पर जो बच्चे आज तो करते नहीं, पर उस वक्त मुझे गाड़ी चलाने का शौक था तो मेरे एक्सीडेंट्स ढेर सारे हो गए थे और खेलना बंद कर दिया था, खेलना अलाउड नहीं था, बिल्डिंग में रहते थे, मैं हर दिन कैसे भी छुप कर कुछ करता था, चला जाता था, घर आता था पहले ही इतनी चोटें लगी थी ऊपर से मार पड़ती थी कि चोट लगी है मैंने मेरे साथ लगी है प्लीज तो देखो नो थार 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 नहीं, बिकॉज माँ का प्यार था कि वो नहीं चाहती थी कि बिकॉज अभी समझ सकते हैं वो सब चीज़ें, बिकॉज
और आई ऑलवेज थैंक माई पेरेंट्स एंड माई फैमिली एंड माई ऑल माई जॉइंट फैमिली, बिकॉज उसी की वजह से मैं हूँ जो हूँ आज हूँ. नहीं तो जॉइंट फैमिली ये सच है कि 12 साल की उम्र में गाड़ी चुरा के ले जाते थे. 12 साल 12 years कि हम ये चीजें कि बहुत किया करता था. ऋषि से भी चुरा के चलाने का बहुत शौक था. ड्राइविंग का हमेशा शौक मार पिट लीजिए. आज भी जहाँ भी मैं जाता हूँ उससे खुद ही गाड़ी लेके जाता हूँ और जहाँ भी चला जाओ अब्रॉड हूँ या इंडिया में भी नहीं करना चाहता जितना मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ जहाँ भी पहुँचता हूँ. हाँ सो था शुरुआत तो ऐसे ही हो गई थी ड्राइवर्स के गोदी पर बैठ के बिकॉज पैर पहुँचते नहीं थे और जैसे पैर पहुँचने लगे फिर गाड़ी को धक्का मार के हम लोग बाहर निकालते थे रात को ताकि पता ना चले और दूर जाके स्टार्ट करके फिर निकल जाते. और ये भी सच है कि क्लास में पढ़ाई पे कम लड़कियों के ज्यादा जाते लेकिन जो अपनी फिल्म में फोटोशूट में भी हीरोइन के साथ शर्माता हो भाई जो भी मैं करता हूँ लेकिन फिल्म में तो अच्छी कर रहा हूँ ना बेचारा इंबैरस कर रहा है. यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो रोमांस करने में भी शर्माता हो वो इतना ऐसा किरदार बन जाए 2.5 किलो का हाथ अरे वो क्या है एज एन एक्टर यही हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ पर हम अपने आप के ऊपर एक मास्क डाल लेते हैं हम कुछ और बन जाते हैं और फिर उस वक्त अनिल शर्मा का लिखे वही रहता है मुझे कहीं स्टेज पर ले जाओ तो मैं घबरा जाऊँ मेरी हालत खराब हो जाएगी लेकिन जब शूटिंग कर रहा हूँ चाहे हजारों लोग हों मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उस वक्त मैं आई एम प्लेइंग नॉट सनी देओल बट सारे लोग यहाँ है इनके लिए हो जाए 2.5 किलो का हाथ ये 2.5 किलो का हाथ जब पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है. बड़ा अच्छा बोला वैसे ही दमदार आवाज है. हाँ क्या एक और एकदम से चेंज होके बोला गदर क्या लोग जिक्र कर रहे हैं गदर वाला चीता गदर में वो जो हमेशा पटेल था क्यों खड़ा था क्या गदर में जो मैंने पांव खड़ा था उसकी फिर वजह थी क्या उसकी वजह ये थी कि जब भी आदमी अपने परिवार के लिए जब भी कुछ ऐसी मुसीबत आ जाए जहाँ पर उसके परिवार की जिंदगी का सवाल हो तो उस वक्त आदमी कुछ भी कर सकता है कुछ भी कर सकता है और मैं मानता हूँ कुछ भी कर तो याद ही नहीं उसी जूली सारी फिल्मों में जब इस तरह के एक्शन सीन होते हैं तो लोग जानते हैं कि ये हैंडपंप उखाड़ा तो इसलिए ये एक्शन सीन है. लेकिन आपके बारे में आपकी बॉडी आपका स्टाइल देखकर लोग लगता है इन्होंने वाकई में उखाड़ दिया होगा. बिल्कुल होता है
क्योंकि मैं जब भी जो भी कुछ करता हूँ तो मैं उसके अंदर मैं हमेशा मानता हूँ कि जैसे जिंदगी में भी मेरा एक सीन था जहाँ पर मैं एक आदमी का हाथ उखाड़ देता हूँ, हम लोग मैसेज सुना ये कैसे हो सकता है, क्या ये नहीं हो सकता ये वगैरह, मतलब अगर कोई मेरी बहन को छुएगा तो मैं उसका हाथ उखाड़ कर फेंक दूँ। नवाज शरीफ ने कहा हैंड पंप तो लौटा दो जो सही हो आपका पूरी यूनिट डायरेक्टर से लेके शाहरुख खान तक डरे डरे रहे। जो ही चाह रही थी ना उनका डर इसलिए होगा क्योंकि उनके अंदर कोई खौफ थी। अच्छा बोला। कुछ कुछ कई तरह की बातें हो जाती हैं ऐसी वैसी और मुझे मैं को जब बात समझ में आने लगी कि कुछ चीज सही नहीं है हमारे कंफर्टेबल तो मेरे अंदर बेचैनी हो जाती है और वही उसी फिल्म में था जहाँ पर मैं वो सीन कर रहा था जो आप लोग दिखा भी रहे थे शायद जहाँ पर शाहरुख मुझे चाकू मारता है तो उधर काफी मेरी बहस हुई थी कि देखो मैं एक कमांडर ऑफिसर हूँ और इतना एक्सपर्ट हूँ और इतना फिट हूँ और ये आज लड़का है ये मुझे कैसे मार सकता है, मैं हमें मार सकता है अगर मैं देख रहा हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ मुझे चाकू मार देगा तो मैं कमांडो कहाँ कर रहा तो वो उस चीज पर थोड़ी सी बहस चल रही थी जिसमें मेरे को पता नहीं मेरे को लगा शायद बिकॉज मैं हमेशा बुजुर्ग रहता हूँ कि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मुझे समझ में आया था मैं क्या करूँ क्योंकि मैं कुछ कह नहीं सकता तो उस समय मुझे इतना गुस्सा आ गया था कि मैंने अपने हाथ जींस में डाल दिए थे और मुझे पता ही नहीं था कि इतना गुस्सा था कि मेरी पूरी पैंट फट गई। सच्ची माय गॉड ये तो कमाल है मूवी बन जाए। वो हो गया उसके बाद मैंने देखा कि कोई वहां डर के भाग गया कोई उधर भाग गया जब मैं किसी कुछ नहीं कह रहा था खुद से मेरे समझ में आया मैं क्या गलत कर रहा हूं। बाकी भी आश्चर्य करने वाली बात है इतनी ताकत की जींस की जेब फाड़ना कोई आसान नहीं होता है। लेकिन ये सच है कि उस घटना के बाद में 16 साल तक आपने शाहरुख खान से बात नहीं की। नहीं बात ऐसी तो नहीं है कि नहीं की मैंने बात आई डोंट नो क्या है बट मैं अक्सर फिर अपने आप को कट ऑफ ही कर देता हूँ और वैसे भी मैं कहाँ सोशलाइज करता हूँ कि कहाँ किससे मिलूँ मैं बात कर रहा हूँ तो कभी हम लोग कहीं मिले ही नहीं तो बात करने की बात ही नहीं है। वैसे भी मैं हार्डली कोई फंक्शन पर नहीं जाता कहीं पार्टीज पर नहीं जाता तो वी आर कलीग्स बट उससे ज़्यादा कभी किसी से इंटरेक्शन नहीं होता। ये बात सही है कि अगर किसी पर गुस्सा है तो आप उसको काट देते हैं। हाँ जब मालूम है कि जो चीज जिससे कुछ है नहीं तो उसको हटाओ ना क्या कर क्या सकता है। आप राजकुमार संतोषी ने घायल जैसी सुपरहिट फिल्म आपके साथ की थी लेकिन जिस दिन आपने काटा तो फेंक ही दिया। ऐसे कुछ नहीं है बस मैं हमेशा सोचता हूँ कि कभी ना कभी वो समझ जाएगा और वापस आएगा। कुछ हुआ था लेकिन आपकी नाराजगी आसानी से जाती नहीं। मैंने सुना कि यशराज फिल्म से इतनी नाराजगी है उन्होंने जब जब आपको रोल ऑफर किया आपने मना कर दिया। ऐसा नहीं था उन्होंने रोल कभी ऑफर नहीं किया लेकिन हमेशा रहा भी तो सबको भी पता है कि मैं नाराज हूँ पर फिलहाल अभी कुछ एक महीने पहले मैं आदि से मिला एंड वी laughed about जो कुछ हम कर चुके हैं जो कुछ हो चुका है। क्या हुआ? Because वक्त तो भी कहते हैं ना वक्त एक ऐसी चीज़ है। वही डर वाले में वही सीन का बात कर रहे हैं। साफ कर देती है। आपके गुस्से का डर निकल गया होते हैं। देखा डर ही वाले में। हाँ नहीं वो हो जाती है बातें भी क्या करें ये दुनिया ऐसी है
कितना लड़ेंगे, कितना अंदर लेके रखेंगे, आगे चलना है। कुछ तो मौका लगेगा तो शाहरुख के साथ फिल्म से फिल्म करेंगे। मैं तो किसी के साथ भी फिल्म करने को राजी हूँ, मेरे पर मुझे नहीं लगता कोई एक्टर मेरे साथ इतना करना चाहेगा। जिसने आपको एक बार मुझे फालतू में देख लिया उसकी तो एक बार मुझे नहीं सनी डॉल फूंक मारेगा तो शाहरुख खान तो उड़ जाएगा ना। ही इज ओवर डाउन टू अदर ही इज नाइस। ओह यानी वो तो सोवर डाउन हो गए, आप सोवर डाउन नहीं। नहीं ही इज अ गुड गाय, आई मीन लुक्स टू बी गुड। ऑब्वियसली देख तो रहा है मैं सोवर डाउन हूं। कुछ हुआ था शाहरुख खान। अगर दोबारा शुरुआत करें आप बेताब से अपनी जिंदगी की, अच्छा वो बेताब थी पोस्टर है जिसके साथ काम नहीं करना चाहिए। ओए ओए क्या क्वेश्चन पूछा है, मुश्किल है यार। कोई भी नहीं, कैसे बोले आप लोगों को क्या लगता है शाहरुख खान? नहीं हम तो फिर उसी से करेंगे ना जिसे हम डरेंगे। क्या बोला उन्होंने, क्या बोला शाहरुख खान बताया नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं शुरू में हुआ करता था, मेरा जो इंडस्ट्री उस वक्त मुझे होता था बिकॉज मैं एक्टिंग करता था और मुझे कुछ हमारे मेरे कलीग से मैं नाम नहीं ले सकता, जब भी कैमरा के पीछे वो कुछ और हरकत कर डालते थे और डायरेक्टर रुकता नहीं था, तब मैं चलने लग गया था कि ये भी हम एक्टिंग करने आए हैं एक दूसरे से लड़ने आए हैं। आप होता ना वो करने चक्कर में लग जाता है कि मैं इसे थोड़ा कुछ ऐसे कर दूंगा तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, तो ये इनसिक्योरिटी होती है काफ़ी एक्टरों में, तो उससे पिक्चर भी खराब हो जाती है। तो वो वजह थी जब मैं कुछ नहीं चाहता था कि इस तरह के एक्टरों के साथ काम करूं, पर उसके बाद फिर मैंने एकदम हमें ऐसे इंसिडेंट श्रीदेवी के साथ हुआ। मैं रहा था एंड शी वाज कुछ भी कर जाती थी, मैं 40 फिल्म में मैं घर को नहीं करूँगा, मेरी एक आंख ऐसे पीछे रहती थी तू क्या कर रही है मैं भी करूँगा। जल्दी से नेक्स्ट पार्ट करना है, तो बहुत कमाल का है ये जो इंटरव्यू है, तो कमाल की है। और सच्ची में तो सनी डियोल बहुत ही पसंद आ रहे हैं, जिस तरह से आंसर दे रहे हैं ना, और काफी फ्रैंकली बताया। और इसमें मुझे ऐसे लग रहा है शाहरुख खान के साथ कुछ हुआ था, बहुत बड़ा हुआ है, और मुझे तो ऐसे लग रहा है, मैं गलत हो सकती हूँ, मैं बस अपना फीलिंग और आइडियाज दे रही हूँ क्योंकि मैं तो वहां थी नहीं, तो मुझे ये लगता है कि शाहरुख खान के साथ जब इन्होंने ये डर मूवी की थी तो उसमें शाहरुख खान को लाइमलाइट में लाने के लिए, जैसे कह रहे ना कि ये कमांडो थे और कह रहे हैं कि उसमें शाहरुख खान जो था वो नेगेटिव रोल कर रहा था, मुझे याद है, तो चाकू मारा होगा तो इन्होंने कहा होगा कि मेरे सामने से चाकू क्यों मार रहे हैं, पीछे जब मैं नहीं देख रहा तब दिखाएं। और शाहरुख खान हो सकता है बोल रहा होगा कि भाई मैं पीछे से करूंगा तो मेरा करेक्टर और भी गंदा है, उस टाइप से हो जाएगा, तो कुछ इस टाइप से होगा। और पता नहीं अब इवेंचुअली माना गया कि पीछे से मारा कि नहीं मारा, कि आगे से ही इवेंचुअली मारा गया, तो हो सकता है, मुझे लगता है शायद आगे से ही मारा गया होगा, नहीं माना होगा, सनी डियोल की बात नहीं मानी गई होगी, और इस वजह से सनी डियोल जो होंगे वो अपसेट होंगे। मेरे हिसाब से तो सनी डियोल जो बोल रहे थे वो ठीक ही बोल रहे होंगे कि मैं इतना बिल्ड देखो आप सनी डियोल की, और शाहरुख खान को देखो आप, हाइट देखो दोनों की, और साथ में अगर आप मूवी के अंदर करेक्टर में आप हो कि आप कमांडो का रोल प्ले कर रहे हो, तो फिर वो तो लॉजिक भी नहीं बनाता, राइट? पर जो बोल रहे हैं कमाल का बोल रहे हैं बेचारे, मतलब दिल साफ है और दिखा रहे हैं। मुझे तो इनका भी लग रहा है कि ये सब होने के बाद काफी स्ट्रगल्स इनको भी करनी पड़ रही हैं, जबकि इनके फादर धर्मेंद्र थे, तो वही कह रहे हैं कि मैं तो उस सर्कल में ही नहीं जाता, पार्टियों में भी नहीं जाता, तो सोचने की बात है ना। और अब मूवीज में भी कम आते हैं, खुद ही की बनाते हैं, खुद ही एक्टिंग करते हैं, अब ये कर रहे हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, और अभी रिसेंटली अपने बेटे को भी लॉन्च किया, मैं तो देख देख के यही देख रही थी कि कितनी शक्ल मिलती है सच्ची में जो इनका बेटा है, और ये काफी, अगर आप आग फ्रंट से जब भी स्क्रीन हो रहा था मेरे को तो याद आ रही थी वो, जो मूवी में जब हमने किया भी था रिएक्शन तो उस टाइम भी लग रही थी, पर इंटरव्यू कमाल की है। और रजत जी तो पीछे ही पड़ गए, छोड़ ही नहीं रहे, पर बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा था, और काफी शरीफ लग रहे हैं और काफी हम्बल लग रहे हैं, काफी लग भी रहा है कि शर्मा रहे हैं टू बी फ्रैंक, कि उनके जिस तरीके से बात कर रहे हैं, यूं कर रहे हैं, तो वो लग रहा है कि वो
अपने जो सेल्फ कैरेक्टर हैं उसमें थोड़े शाई टाइप के हैं, बट नॉर्मली जो लोग शाई होते हैं वो दिल के साफ होते हैं, दिल के अच्छे होते हैं और सीधे सीधे काम करते हैं। ये नोन फैक्ट है कि जो इंट्रोवर्ट होते हैं लोग वो एक्स्ट्रोवर्ट से बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। मतलब इंट्रोवर्ट जो होते हैं शार्प लोग होते हैं, स्मार्ट लोग होते हैं, उनमें दिमाग ज़्यादा होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टैटिस्टिक्स कह रही है। अब अगर आप पता करें आपको पता लगेगा कि इंट्रोवर्ट्स आर मोर स्मार्टर देन एक्स्ट्रोवर्ट्स। ठीक है, तो ये इंट्रोवर्ट टाइप हैं, इसका मतलब शार्प हैं, स्मार्ट हैं, ऑनेस्ट हैं और जिस घर में पैदा हुए हैं वहाँ पे एक्टिंग इज़ अ प्रोफेशन, तो उस प्रोफेशन को करने के लिए जैसे बोल रहे हैं लंदन गए अपनी झिझक ख़त्म करने के लिए कि आई हैव टू डू इट, मेरा यही प्रोफेशन है। मगर जिस सच्चाई से बात कर रहे हैं दैट इज़ अमेजिंग, और जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि वो तो दूसरा बंदा डॉन बन गया, मैं भी डॉन हूँ, मतलब कुछ हुई हैं। और कुछ फैक्टर्स इसमें हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो पंजाबियों के ट्रेट्स हैं वो भी नज़र आ रहे हैं, और डेफिनेटली मतलब थोड़ा गुस्सा होना और पेंट की। हाँ, तो ये जो भी हैं कुछ ट्रेट्स हैं जिसको हम लोग भी कोशिश करते हैं टू गेट रिड ऑफ हर एक। मैंने तो कभी नहीं फाड़ी, एक बार ट्राई करूंगी। हाँ, जब गुस्सा दिलाओगे तो नेक्स्ट टाइम ना मैंने भी जीन्स पहननी है फिर गुस्सा दिलाना। मगर जो भी इंसान जिस रीजन से आता है उस हर रीजन के कुछ ट्रेट्स होते हैं। कोई भी देखिए, बंगाली हैं बंगालियों के ट्रेट हैं, सदर्न इंडिया से आ रहे हैं उनके कुछ ट्रेट हैं, नॉर्थ इंडिया से आ रहे हैं कोई, वेस्ट इंडिया से आ रहे हैं, हर एक जो एरिया है उसके कुछ ट्रेट होते हैं। जब आपके अगर आपकी लाइफ में फ्रेंड्स हैं जो डिफरेंट स्टेट से आ रहे हैं तो आपको उनके ट्रेट्स नज़र आते हैं। तो इट इज़ गुड दैट ही मतलब ये अप फ्रंट थे, ये साफ साफ उन्होंने बताया कि ट्रेट हैं ऐसे। इट इज़ ट्रू पंजाबियों में गुस्सा ज़्यादा आता है, गालियाँ ज़्यादा देते हैं, जो भी है। और जो एजुकेशन होती है वो आपको हेल्प करती है ओवरकम करने को इन सब चीज़ों को, तो ये अच्छी बात है। मगर बहुत ही अच्छा लगा ऑनेस्ट देखकर, और हम काफ़ी पुराना देख रहे हैं जहाँ तक मुझे पता है। आप देखिए सनी डेओल की आजकल मूवीज़ नहीं आती, तो कई कुछ लोग होते हैं जो परेशान हो जाते हैं इस टाइप ऑफ माहौल से और एग्जिट कर जाते हैं, या फिर दूसरे ऑफ कोर्स इतना पैसा होता है कि वो और अपना बिजनेसेस को आगे ले सकें और काम कर सकें। मगर आप देख रहे हैं कि आज सनी देओल कहाँ है, उनकी कोई मूवी आती नहीं है, पर अभी तो, अपने बेटे को लॉन्च किया था। हाँ, तो मतलब जो भी है कंपेयर टू अपनी उम्र के अगर और एक्टर्स को देखें, सलमान खान वगैरह जो भी उनके उम्र के और एक्टर्स वो अभी भी बिजनेस में है, मगर ये मतलब एक्टिंग के बिजनेस में। वैसे तो उनके बहुत सारे बिजनेस होंगे, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स होगी, बहुत पैसा आएगा, बट कुछ लोग डेफिनेटली जो अच्छे लोग होते हैं वो परेशान हो जाते हैं इन्वायरमेंट को देख के, बोलते हैं यार मैं कुछ और कर लेता हूं। वो ये बोल भी तो रहे थे इसमें इंटरव्यू में, बोला भी exactly. कि कैसे मैं जब एक्टिंग कर रहा हूं तो पीछे कैमरे के पीछे ऐसे हरकतें करते हैं। बिल्कुल, और उन्होंने श्रीदेवी का भी बताया कि वो अपने आप को बेटर करने के लिए कुछ करती रहती थी, तो फिर मैं पीछे बोलता था अच्छा मैं पीछे एक आंख रखूंगा कि जब तुम करोगी तो मैं फिर उसकी उसी साथ। यही कहने का है कि अच्छे लोग कहीं हो सकते हैं परेशान हो जाएं, बोले कि मैं खत्म कर रहा हूं, मैं सिर्फ कई लोग कहते हैं कि चलो मैं सिर्फ प्रोड्यूस करूंगा या मैं सिर्फ डायरेक्ट करूंगा या एक्टिंग का लफड़ा मैं नहीं करने वाला, पॉलिटिक्स में नहीं फंसने वाला, जो भी चीजें हैं। सो बहुत ही अच्छा था और बहुत खुशी है कि जिन्होंने भी सजेस्ट किया, वेरी नाइस। क्योंकि ये ऑनेस्टी, जहां एक्टर की ऑनेस्टी नजर आती है वहां बहुत अच्छा लगता है। इट्स वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा है, हम्बल से लग रहे हैं, सीधे सिंपल से। तो हीरो जैसे होते हैं अकड़ वकड़ वैसी बिल्कुल नहीं लग रही, डाउन टू अर्थ लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स जल्दी से एंड करते हैं क्योंकि नेक्स्ट पार्ट भी अभी के अभी देखना है। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।